एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th पार्ट 1 यूनिट 5 स्टेट ऑफ मैटर। द स्नो फ्लेक फॉल एट ले नॉट लॉन्ग इट्स फिथ राई ग्रेस्प ऑन मदर अर्थ एयर सन रिटर्न इट टू द वेपर विंस इट कैम और टू वॉटर्स थम्बलिंग डाउन द रॉक स्लोप रॉड ऑफ कॉर्नर। द्रव की अवस्थाएं गिरते हैं मखमली हिमकड़ धरती माँ की गोंद में रह नहीं पाते वहां अधिक देर सूर्य आकर उन्हें वाष्प और पहाड़ी ढालनों पर बहते झरनों को लौटा देता है। रोड ओ कॉनर ने लिखा था। इंट्रोडक्शन। इन प्रीवियस यूनिट वी हैव लर्न्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सिग्नल पार्टिकल ऑफ मैटर सच एज एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी मॉलिक्यूलर शेप एंड पोलारिटी एटसेट्रा। मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल सिस्टम्स विथ विच वी आर फैमिलियर रिप्रेजेंट बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट इज द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद अ कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल एंड इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड डज नॉट बॉयल बट द बल्क बॉयल्स कलेक्शन ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल्स हैव वेटिंग प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल डू नॉट वेट वाटर कैन एग्जिस्ट एज आइस विच इज अ सॉलिड इट कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड और इट कैन एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट एज वाटर वेपर और स्ट्रीम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइस वाटर एंड स्टीम आर वेरी डिफरेंट इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर रिमेन द सेम दैट इज H2O कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑन द मैनर इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट। सेम इज ट्रू फॉर अदर सबस्टेंस आल्सो। परिचय। इससे पूर्व के अध्यायों में हमने द्रव के एक कण से संबंधित गुणों जैसे परमाणविक आमाप आयन इंथैल्पी इलेक्ट्रॉनिक आवेश घनत्व आणविक आकार ध्रुवता आदि का अध्ययन किया। रासायनिक तंत्रों के अधिकांश प्रेक्षित गुणधर्म जिनमें हम परिचित हैं द्रव के स्थूल गुणों को निरूपित करते हैं अर्थात वे गुणधर्म जो बड़ी संख्या में एकत्रित अणुओं परमाणुओं या आयनों के समूह से संबंधित होते हैं। उदाहरण द्रव का सिर्फ एक अणु नहीं अपितु उनका समूह उबलता है। गीला करने का गुण जल के अणुओं के समूह का होता है एक अणु का नहीं जल बर्फ के रूप में जो एक ठोस है। द्रव अवस्था में था वाष्प अथवा भाप के रूप में गैसीय अवस्था में अस्तित्व में रहता है। बर्फ जल तथा वाष्प में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तीनों ही अवस्थाओं में जल का रासायनिक संगठन H2O ही रहता है। जल की तीनों अवस्थाओं के गुणधर्म जल के अणुओं की ऊर्जा तथा उनके समूह में एकत्र होने के प्रकार पर निर्भर करते हैं। यह अन्य पदार्थों के लिए भी सत्य है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सबस्टेंस डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डू डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट। मैनी टाइम्स इन कैलकुलेशन विल डीलिंग विद डाटा ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी रिक्वायर नॉलेज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी फॉर अ केमिस्ट टू नो द फिजिकल laws which govern the behavior of matter in different states. In this unit, we will learn more about these three physical states of matter, particularly liquid and gaseous states. To begin with, it is necessary to understand the nature of intermolecular force.
मॉलिकुलर इंट्रैक्शन एंड इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स बिकॉज अ बैलेंस बिटवीन दिस डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस। किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म उसके भौतिक अवस्था परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं होते हैं, परंतु रासायनिक अपक्रिया की दर भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। कभी कभी प्रयोगों के आंकड़ों की गणना करते समय द्रव की अवस्था के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों को जानना एक रसायनज्ञ के लिए आवश्यक होता है। इस एकक में हम द्रव की तीन भौतिक अवस्थाओं, विशेषतः द्रव तथा गैसीय अवस्थाओं के बारे में अधिक सीखेंगे। अंतरणिक बलों की प्रकृति, आणविक अन्योन्य क्रिया और कणों की गति पर उसमें ऊर्जा के प्रभाव को प्रारंभ में समझना आवश्यक है, क्योंकि इनके बीच संतुलन ही पदार्थ की अवस्था निर्धारित करता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स। इंटरमॉलिकुलर फोर्स आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस एंड द फोर्स दैट होल्ड एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल टुगेदर दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड्स। अंतरणिक बल अन्योन्य क्रियाकारी कणों, परमाणुओं तथा अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को अंतरणिक बल कहते हैं। इस पद का तात्पर्य दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य वैद्युत बल से या उस बल से जो अणु में परमाणुओं को थामे रखता है नहीं है। अट्रैक्टिव इंटरमॉलिकुलर फोर्स आर नोन एज वंडर वाल्स फोर्स। इन होनर ऑफ डच साइंटिस्ट जोहानेस वंडर वाल्स 1837 to 1923 who explained the deviation of real gases from the ideal behavior through the these force. We will learn about this later in this unit. Van der Waals force vary considerably in magnitude and include dispersion forces on London forces, dipole-dipole forces and dipole-induced dipole forces. A particularly strong type of dipole-dipole interaction is hydrogen bonding. Only a few elements can participate in hydrogen bond formation. Therefore, it is treated as a separate category. We have already learned about this interaction in Unit 4. अंतरणिक आकर्षण बलों को जोहानसन वंडर वाल्स 1837-1923 के सम्मान में वंडर वाल्स बल कहते हैं। वंडर वाल्स ने आदर्श व्यवहार से वास्तविक गैसों के विचलन को उन बलों के द्वारा समझाया, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में आगे करेंगे। वंडर वाल्स बलों के परिमाण में विविधता होती है। इसके अंतर्गत लंदन बल, द्विध्रुव बल तथा प्रेरित द्विध्रुव बल आते हैं। एक विशेष प्रकार की द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया हाइड्रोजन बंध है। केवल कुछ अणु ही हाइड्रोजन बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं, अतः इसके पृथक संवर्ग में रखा गया है। इस अन्योन्य क्रिया के बारे में हम पूर्व के एकक 4 में सीख चुके हैं। एट दिस पॉइंट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एन आयन एंड अ डायपोल आर नोन एज आयन डायपोल फोर्स एंड दीज आर नॉट वान डर वाल्स फोर्स। We will now learn about different type of van der Waals force. यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि आयन तथा एक द्विध्रुव के मध्य आकर्षण बल, जिन्हें आयन द्विध्रुव बल कहा जाता है, van der Waals बल नहीं है। अब हम विभिन्न प्रकार के van der Waals बलों का अध्ययन करेंगे। Dispersion force और London force. Atoms and non-polar molecules are electrically symmetrical and have no dipole moment because their electronic charge cloud is symmetrically distributed. But a dipole may develop momentarily even in such atoms and molecules. This can be understood as follows. Suppose we have two atoms
ए एंड बी इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ इच अदर. फिगर 5.1 ए. इट मे सो हैपन दैट मोमेंटली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वन ऑफ द एटम. से ए बिकम्स अनसिमेट्रिकल, दैट इज द चार्ज क्लाउड इज मोर on one side than the other, figure 5.1 b and c. This results in the development of instantaneous dipole on the atom A for a very short time. This instantaneous of transient dipole distorts the electron density of the other atom B, which is close to it, and as a consequence a dipole is induced in the atom B. प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल. परमाणु तथा अध्रुवी अणु वैद्युत सममिति होते हैं. इनमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र सममिति रूप से वितरित रहता है, परंतु उदासीन परमाणु या अणुओं में भी द्विध्रुव नियंत्रित रूप में उत्पन्न किया जा सकता है. इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, माना कि दो परमाणु ए तथा बी एक दूसरे के समीप हैं. माना कि चित्र 5.1 का ऐसा हो सकता है कि कोई एक परमाणु माना ए तात्क्षणिक रूप से असममिति हो जाए, अर्थात आवेश अभ्र एक और अधिक हो जाए. चित्र 5.1 ख तथा ग. तो इसका परिणाम यह होता है कि ए परमाणु में कुछ समय के लिए तात्क्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है. यह अल्पकालिक तात्क्षणिक द्विध्रुव अन्य परमाणु बी जो इसके निकट है के इलेक्ट्रॉन घनत्व को विरूपित कर देता है. परिणाम स्वरूप परमाणु बी में प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है. The temporary dipoles of atom A and B attract each other. Similarly, temporary dipoles are induced in molecules also. This force of attraction was first proposed by the German physicist Fritz Landon, and for this reason, force of attraction between two temporary dipoles is known as Landon force. Another name for this force is dispersion force. These forces are always attractive and interaction energy is inversely proportional to the 16th power of the distance between two interacting particles, that is 1/r6, where r^6, where r is the distance between two particles. These forces are important only a short distance, 500 picometer, and their magnitude depend on the polarizability of the particle. परमाणु ए तथा बी के अस्थायी द्विध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं. इसी प्रकार का प्रेरित द्विध्रुव अणुओं में भी उत्पन्न किया जा सकता है. इस प्रकार के आकर्षण बल को पहली बार जर्मन भौतिक विज्ञानी फ्रिट्ज लंदन ने प्रस्तावित किया. इसी कारण दो अस्थायी द्विध्रुव के बीच आकर्षण को लंदन बल कहा जाता है. इस बल का एक अन्य नाम प्रकीर्णन बल कहा जाता है. इस बल का एक अन्य नाम प्रकीर्णन बल है. इस प्रकार के बल हमेशा आकर्षण बल होते हैं तथा दो अन्योन्य क्रियाकारी कणों के मध्य की दूरी के छठे घात के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात 1/r^6, जहां r दो कणों के मध्य दूरी होते हैं. ये बल केवल लघु दूरी 500 पिकोमीटर तक ही महत्वपूर्ण होते हैं. इनका परिमाण कणों की ध्रुवता पर निर्भर करता है. सभी कणों में प्रकीर्णन बल उपस्थित रहते हैं. डाइपोल फोर्स एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पोजिंग परमानेंट डाइपोल. इन
ऑफ द डायपोल पॉजेस पार्शियल चार्जेस एंड दिस चार्ज आर शोन बाय ग्रीक लेटर डेल्टा. पार्शियल चार्जेस आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. The polar molecules interact with neighboring molecules. Figure 5.2a show electron cloud distribution in the dipole of hydrogen chloride. And figure 5.2b show dipole-dipole interaction between two HCl molecules. These interactions is stronger than the London force but is weaker than ion-ion interaction because only partial charge are involved. The attractive force decreases with the increases of distance between the dipoles. As in the above case here, also the interaction energy is inversely proportional to distance between polar molecules. Dipole-dipole interaction energy between stationary polar molecules as in solids is proportional to 1 by r power 3 and that between rotating polar molecules is proportional to 1 by r power 6 where r is the distance between polar molecules besides dipole-dipole interaction polar molecules can interact by London force also. Thus cumulative effect is that the total of intermolecular force in polar molecules increases. द्रुध्रु बल स्थायी द्रुध्रु रखने वाले अणुओं के मध्य द्रुध्रु बल कार्य करते हैं. द्रुध्रु के सिरे आंशिक आवेश रखते हैं. इन्हें ग्रीक अक्षर डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है. आंशिक आवेश सदैव इकाई इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 into 10 power minus 19 कूलम्ब से कम होता है. द्रुध्रु अणु निकटवर्ती अणु से अन्योन्य क्रिया करता है. चित्र 5.2 का हाइड्रोजन क्लोराइड के द्रुध्रु में इलेक्ट्रॉन अपवितरण को तथा चित्र 5.2 ख दो HCl अणुओं के मध्य द्रुध्रु अन्योन्य क्रिया को प्रदर्शित करता है. यह अन्योन्य क्रिया आयन आयन की तुलना में दुर्बल होती है क्योंकि इसमें केवल आंशिक आवेश ही भाग लेते हैं. द्रुध्रु के मध्य दूरी बढ़ने से यह आकर्षण बल घटते जाते हैं. यह भी उपयुक्त स्थिति की ही तरह अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा ध्रुवित अणुओं के मध्य दूरी के वृत्तमान पाती होती है. स्थिर ध्रुवित अणुओं जैसे ठोसों के मध्य अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा 1/r³ के तथा घूर्णित ध्रुवित अणुओं के मध्य 1/r⁶ के समान पाती होती है जहां r ध्रुवीय अणुओं के मध्य की दूरी है. ध्रुवित अणु लंदन बलों के द्वारा भी अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं जिसका सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि ध्रुवीय अणुओं में कुल अंतराणविक बल बढ़ते जाते हैं. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स. दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग permanent dipole and the molecules lacking permanent dipole. Permanent dipole of the polar molecule induces dipole on the electrically neutral molecule by deforming its electronic cloud. Thus, an induced dipole is developed in the other molecule. In this case, also interaction energy is proportional to 1 by r to the power 6, where r is the distance between two molecules. Induced dipole moment depend upon the dipole moment present in the permanent dipole and the polarizability of the electrically neutral molecule. We have already learned in unit 4 that molecules of larger size can be easily polarized. Highly polarizability increases the strength of attractive interaction. In this case, also cumulative effect of dispersion force and dipole-induced dipole interaction exist. द्रुध्रु प्रेरित द्रुध्रु बल. इस प्रकार के आकर्षण बल
स्थायी द्विध्रुव रखने वाले ध्रुवीय अणुओं तथा स्थायी द्विध्रुव नहीं रखने वाले अणुओं के मध्य कार्यरत होते हैं। स्थायी द्विध्रुव रखने वाला अणु वैद्युत उदासीन अणु के इलेक्ट्रॉनिक अभ्र को विकृत करके द्विध्रुव प्रेरित कर देता है। इस प्रकार अन्य अणु में प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में भी आकर्षण 1/r^6 बल के समानुपाती होता है, जहां r के अणुओं के मध्य की दूरी है। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत उदासीन अणु में ध्रुवता पर निर्भर करता है। एकक 4 में हम यह पढ़ चुके हैं कि बड़े आकार के अणुओं को आसानी से ध्रुवित किया जा सकता है। उच्च ध्रुवीयता आकर्षण बलों की सामर्थ्य में वृद्धि करती है। इस स्थिति में भी प्रकीर्णन बलों तथा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया इंट्रैक्शन के संयुक्त प्रभाव का अस्तित्व होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड As already mentioned in section 5.1, this is a special case of dipole-dipole interaction. We have already learned about this in unit 4. This is found in the molecules in which highly polar NH-OH or HF bond are present. Although hydrogen bonding is regarded as being limited to nitrogen, oxygen and fluorine, but species such as chlorine may also participate in hydrogen bonding. Energy of hydrogen bond varies between 10 to 100 kilojoule per mole. This is quite a significant amount of energy. Therefore, hydrogen bond are powerful force in determining the structure and properties of many compounds, for example proteins and nucleic acid. Strength of the hydrogen bond is determined by the Coulombic interaction between the lone pair electron of the electronegative atom of one molecule and the hydrogen atom of other molecule. Following diagram shows the formation of hydrogen bond. हाइड्रोजन आबंध हम एकक 4 में ही यह सीख चुके हैं। जैसा खंड 5.1 दर्शाया गया है कि यह द्विध्रुव अन्योक्रिया की एक विशेष स्थिति है। हाइड्रोजन आबंध उन अणुओं में मिलता है जिनमें अतिध्रुवी NHOH अथवा HF आबंध उपस्थित होते हैं। यदि हाइड्रोजन आबंध नाइट्रोजन ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन तक ही सीमित होता है, परंतु क्लोरीन जैसे परमाणु भी हाइड्रोजन आबंध में भाग लेते हैं। हाइड्रोजन आबंध की ऊर्जा 10 से 100 किलोजूल पर मोल के मध्य होता है। यह एक सार्थक मात्रा में ऊर्जा होती है। अतः अधिकतर यौगिकों उदाहरणार्थ प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल की संरचना तथा गुणों के निर्धारण में हाइड्रोजन आबंध एक महत्वपूर्ण बल है। एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु तथा दूसरे अणु के धन आवेशित हाइड्रोजन परमाणु के मध्य आकर्षण बल द्वारा हाइड्रोजन आबंध की सामर्थ्य निर्धारित होती है। नीचे दिया गया चित्र हाइड्रोजन आबंध के निर्माण को प्रदर्शित करता है। HF बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्कस्ड सो फार आर All attractive molecule also exert repulsive force on one another when two molecules are brought into close contact with each other. The repulsion between the electron cloud and between the nuclei of two molecules comes into play. Magnitude of repulsion rises very rapidly as the distance separating the molecules decreases. This is the reason that liquid and solid are hard to compress. In this state, molecules are already in close contact. Therefore, they resist further compression as that would result in the increases
ऑफ रिपल्सिव इंट्रैक्शन। अंतरा आणविक बल जिनकी व्याख्या अभी की गई है आकर्षण बल होते हैं। अणुओं के मध्य एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण भी होता है। जब दो अणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब दोनों अणुओं के इलेक्ट्रॉन अभ्र क्लाउड के मध्य तथा दोनों अणुओं के नाभिक के मध्य प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। दो पृथककारी अणुओं के मध्य की दूरी घटने से प्रतिकर्षण का परिमाण बढ़ जाता है। यही कारण है कि द्रव एवं ठोस को संपीड़ित करना कठिन है। इन स्थितियों में अणु पूर्व में ही एक दूसरे के निकट संपर्क में होते हैं, अतः ये पुनः संपीड़न का विरोध करते हैं, फलस्वरूप प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया में वृद्धि होती है। थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस। इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर एंड इज दस रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड थर्मल मोशन। उष्मीय ऊर्जा। एक पदार्थ के अणु या परमाणुओं की गति के कारण उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह पदार्थ के ताप के समानुपाती होती है। द्रव के कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप होने के कारण यह कणों के गमन के लिए उत्तरदायी होती है। कणों के इस गमन को उष्मीय गमन कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्सेस थर्मल इंट्रैक्शंस। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, बट थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर द रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड द थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अंतराणविक बल बनाम उष्मीय अन्योन्य क्रिया। हम जानते हैं कि अंतराणविक बल अणुओं को पास पास रखता है, परंतु उष्मीय ऊर्जा अणुओं को एक दूसरे से दूर करती है। द्रव की तीन अवस्थाएं अणुओं के अंतर आणविक बलों तथा उष्मीय ऊर्जा के मध्य संतुलन का परिणाम है। When molecular interactions are very weak, molecules do not cling together to make liquid or solid unless thermal energy is reduced by lowering the temperature. Gases do not liquefy on compression only. Although molecules come very close to each other, an intermolecular force operate to the maximum. However, when thermal energy of molecules is reduced by lowering the temperature, the gases can be very easily liquefied. Predominance of thermal energy and the molecular interaction energy of a substance in three states is depicted as follow. आणविक अन्योन्य क्रिया बहुत दुर्बल होने की अवस्था में जब तक ताप कम करके ऊर्जा कम न की जाए तब तक अणु साथ साथ अनुलग्न स्थिति में नहीं होते हैं तथा ठोस नहीं बनाते। गैसों को केवल संपीड़न द्वारा द्रवित नहीं किया जा सकता। यद्यपि इसमें अणु एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाते हैं तथा अंतर अणु बल अधिकतम हो जाता है, तथापि यदि ताप कम करके अणुओं की उष्मीय ऊर्जा कम की जाती है तब गैस को आसानी से द्रवित किया जा सकता है। एक पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में उष्मीय ऊर्जा तथा आणविक अन्योन्य क्रिया की पूर्व प्रभाविता को इस चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। गैस, लिक्विड, फिर सॉलिड। प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। गैस पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी। वी हैव ऑलरेडी लर्नड द कॉजेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट गैसेस एंड लिक्विड स्टेट्स एंड द लॉज व्हिच गवर्न द बिहेवियर ऑफ मैटर इन दीज स्टेट्स। वी शैल डील विद द सॉलिड स्टेट इन क्लास 12। द्रव की तीनों अवस्थाओं के अस्तित्व के कारणों को हम पूर्व में ही समझ चुके हैं। अब हम गैसीय तथा द्रव अवस्था
द्रव अवस्था और द्रव की इन अवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों को विस्तार से पढ़ेंगे। ठोस अवस्था का अध्ययन हम कक्षा 12 में करेंगे।